दोस्तों, मेरे साथ है 2018 बैच के कैप्टन मिस्टर मुकेश पटेल और हम देखेंगे यहाँ पे पिच का हाल कैसा है। मुकेश पटेल, पिच में जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ी क्रैकिंग है, इसकी वजह से पिच में अनवेरिएबल बाउंस है, ठीक है, जिसकी वजह से बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी तक जितने भी मैचेस हुए ये देखा गया है कि जो बल्लेबाजी हुई है वो बहुत ही शानदार हुई है, अच्छे टारगेट्स दिए गए हैं। गेंदबाजी यहाँ पर उतनी बेहतरीन नहीं हो पाई है। क्या रीजन है मुकेश, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने सबसे पहले फील्ड का डिसीजन लिया है टॉस जीतने के बाद? क्योंकि अभी तक के अगर प्रीवियस मैचों को देखा जाए तो चेस करने वाली टीमें ज़्यादा जीती है और हमारी टीम ऐसी है कि अगर हम चाहें तो कहीं ना कहीं चेस करते हुए ज़्यादा उस लक्ष्य को हमें पता होता है कि हमें उस हिसाब से हम अपनी बल्लेबाजी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे महीने में जितना जल्दी आराम करें उतना अच्छा होगा। तो कभी पंत रन जाते हैं, कभी सूर्य रन जाते हैं, अपने खेल का चमक बिखरते रहते हैं। और संदीप जो इस मैच का पहला चौका लगाकर आए हैं, दूसरे रन के फिराक में रन ऑफ हो गए जबकि पहला ही ओवर है और स्कोर हुआ है 9 रन। अरे ठीक बहुत अच्छा शुरुआत। मैं कप्तान के रूप में अपने टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट हूँ और ऐसे कमेंटेटर मेरे हैं। वर्ष 2021 बैच बनाम वर्ष 2019 बैच फुटबॉल का मुकाबला, दोनों ही टीमें काफी उत्साह के साथ, काफी आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेंगी। को